एप्पल से लेकर अमेजोन तक और गूगल से लेकर माइक्रोसॉफ्ट तक ये सारी की सारी कंपनी शुरू हुई थी एक स्टार्टअप के जैसे। और आज अगर आप इन्हें जाके देखोगे तो इन सब ने एक $1 बिलियन का एम्पायर खड़ा किया है। तो ये वीडियो एक डिटेल प्लान रहने वाला है उन सभी लोगों के लिए जो आज या फिर फ्यूचर में अपना खुद का बिजनेस या फिर अपना खुद का स्टार्टअप बिल्ड करना चाहते हैं। और इस वीडियो में मैं जितनी भी सारी बातें कवर करने वाला हूँ वो आने वाले कई सालों तक वैलिड रहने वाली है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स किसी भी स्टार्टअप के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। और दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी सारे चेंजेस क्यों ना आ जाए, लेकिन किसी भी चीज के फंडामेंटल्स कभी चेंज नहीं होते। तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर लेना, क्योंकि लाइक करने से वीडियो यहाँ पे सेव हो जाती है। अब बढ़ते हैं पहले पॉइंट पे, जिसे कहते हैं प्रॉब्लम वैल्यू प्रोपोजिशन। देखो, आजकल बैठे बैठे सबके दिमाग में कोई ना कोई बिजनेस आइडिया जरूर आती है, बट आप इस चीज की गारंटी कैसे दोगे या फिर इस चीज को इंश्योर कैसे करोगे कि जो बिजनेस आइडिया आप सोच रहे हो वो आगे जाके सक्सेसफुल होगी? तो इस चीज में प्रॉब्लम वैल्यू प्रोपोजिशन सबसे मेन रोल प्ले करता है। आप सभी को इस चीज का सबसे पहले स्टडी करना है कि मार्केट में लोग प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हैं, और फिर आपको देखना है कि आप उसके लिए कितने सोल्यूशंस निकाल सकते हो। सकता है आपको एक सोल्यूशन मिले, 5 सोल्यूशन मिले, 10 सोल्यूशन मिले। अब उन सोल्यूशंस में से आपको देखना है कि सामने वाले की लाइफ में सबसे ज्यादा वैल्यू क्या चीज लाएगी। प्रॉब्लम वैल्यू प्रोपोजिशन को आप एक एग्जांपल के साथ काफी अच्छे से समझ सकते हो। स्पॉटिफाई नाम सभी ने सुना है, काम क्या करता है सभी को पता है, बट स्पॉटिफाई ने दुनिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। आज से 5-10 साल पहले याद करो कि आप गाने कैसे सुनते थे। या तो आप इन्हें FM पे सुनते थे, जहां पे आप अपना मन चाहा गाना कभी भी नहीं सुन सकते थे, या फिर आप इन्हें अपने फोन पे डाउनलोड करके सुनते थे, जो आपका स्टोरेज जो उस टाइम पे सबसे मेन चीज होती थी उसे खाता था। और एक बार अगर आपका स्टोरेज फुल हो जाए तो आपको नया गाना डाउनलोड करने से पहले जो भी सारे पुराने गाने थे उनको डिलीट करना पड़ता था। इससे एक आम यूजर की डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंस होती थी। प्लस अगर आप कोई भी गाना डाउनलोड कर रहे हो तो इन बड़े बड़े कंपनीज को और म्यूजिक लेबल्स को पायरेसी का भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता था। तो फिर मार्केट में आया स्पॉटिफाई, जहां पे आपको गाना सुनने के लिए उसे डाउनलोड नहीं करना पड़ता, आप इसे ऑनलाइन इजीली स्ट्रीम कर सकते हो। और इस सिंपल प्रॉब्लम वैल्यू प्रोपोजिशन से स्पॉटिफाई म्यूजिक स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री का सबसे टॉप प्लेयर बन गया। इस चीज को और एक रीसेंट एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो जूम तो आपको पता ही होगा, जहां पे आप लोगों के साथ ऑनलाइन मीटिंग्स कर सकते हो। तो 2020 में कोविड आने के बाद मार्केट में वर्क फ्रॉम होम के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा। लोग किसी से मिलना तो छोड़ो, घर के बाहर निकलना भी नहीं चाहते थे, और वहीं पे एंट्री ली जूम ने। एक साल से भी कम में इन्होंने 50% से भी ज्यादा इंडस्ट्री को कैप्चर कर लिया। क्यों? बिकॉज दे हैड अ वेरी क्लियर प्रॉब्लम वैल्यू प्रोपोजिशन। ये दोनों कंपनीज पहले क्या ही थे, लेकिन आज इनकी वैल्यू मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। और स्टार्टअप से मुझे याद आया कि रिसेंटली मैंने एक वेब सीरीज का ट्रेलर देखा था, जिससे मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर किया इस वीडियो को बनाने के लिए। इस सीरीज का नाम है हसलर, जुगाड़ का खेल। ये वेब सीरीज इंस्पायर्ड है एक रियल स्टोरी से, कि कैसे मुंबई के एक स्ट्रीट स्मार्ट बंदे ने अपनी लाइफ पूरी तरह बदल दी और कैसे वो जीरो से हीरो बना। इस ट्रेलर को देख के ऐसा लग रहा है कि सीरीज को देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसे लड़के की स्टोरी है जो हर दिन स्ट्रगल करता है, जुगाड़ करता है सिर्फ अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। ये वेब सीरीज आज उन सारे यंगस्टर्स को देखनी चाहिए जिन्हें अपना खुद का स्टार्टअप या फिर बिजनेस खड़ा करना है। आपको इस वेब सीरीज का टीजर देख के housing.com के CEO राहुल यादव की याद जरूर आएगी। ये शो आ रहा है 24 जनवरी को, तो इसे आज के आज जाके जरूर देखना। मैंने आपके लिए इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 2, मार्केट रिसर्च। एक बार अगर आपके पास आपका बिजनेस आइडिया रेडी है तो आपको कंडक्ट करनी पड़ेगी एक मार्केट रिसर्च, अपना टारगेट, अपना मार्केट और अपने कॉम्पिटिटर्स को समझने के लिए। हो सकता है उस इंडस्ट्री में आपके कॉम्पिटिटर्स रहे और हो सकता है उनके पास फटे पैसा हो, बट कॉम्पिटिटर्स होने का एक माइनस पॉइंट भी और एक प्लस पॉइंट भी। माइनस पॉइंट ये कि आपका मार्केट शेयर हमेशा कोई ना कोई खाता रहेगा और आपका कस्टमर बेस थोड़ा सा बढ़ भी जाएगा, बट उसका सबसे बड़ा और मेन फायदा ये है कि कॉम्पिटिटर्स की वजह से आप खुद को हमेशा इंप्रूव करते रहोगे। और अगर आपके सामने कोई ऐसा कॉम्पिटिटर है जिसके पास फटे पैसा है, तो उसने मार्केट रिसर्च और कंज्यूमर डेटा को ऑलरेडी एनालाइज किया होगा। इस चीज से आपका मार्केट रिसर्च का आधे से ज्यादा काम हो जाता है। आपको बस उनकी स्ट्रेटेजी को स्टडी करना है, अपने बिजनेस मॉडल के हिसाब से आइटरेट करना है और फिर जाके इसे मार्केट में इंप्लीमेंट करना है। अब इसका सबसे बड़ा एग्जांपल कहीं ना कहीं आपके आसपास ही पड़ा होगा, तो मैं बात कर रहा हूं आपके फोन की और स्पेसिफिकली आईफोन की। आईफोन लॉन्च होने से पहले एप्पल ने एक बहुत ही इंटेंसिव मार्केट रिसर्च कंडक्ट की थी, ये समझने के लिए कि कस्टमर के एक्चुअल नीड्स क्या है। तब उन्हें जाके पता चला कि कस्टमर को एक ऐसा डिवाइस चाहिए जिससे कॉल लग जाए, जिसमें आप म्यूजिक प्ले कर पाओ और जिससे इंटरनेट पे आप इजीली ब्राउज भी कर पाओ। और आईफोन ने यही सारी चीजें अपने फोन में लाई। आज दुनिया में इतनी सारी फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है जो 108 मेगापिक्सल, 200 मेगापिक्सल तक के कैमरास बना चुकी है, बट फिर भी आप हमेशा आईफोन से ही फोटो क्यों खींचना पसंद करते हो? उसका कैमरा तो 12 मेगापिक्सल का है। ये सब आप इस वजह से प्रेफर करते हो क्योंकि आईफोन की एक टीम ने जो उनके कैमरा मॉड्यूल पे काम करती थी, उन्होंने कस्टमर्स की नीड को काफी अच्छे से समझा। आज के एज में कस्टमर्स चाहते थे कोई ऐसा फोन जो उनको एक ऐसा फोटो खींच के दे जो दिखने में भी अच्छा लगे और उसको ज्यादा एडिट भी ना करना पड़े। और कंपनीज अपने हार्डवेयर पे काम कर रही थी, वहां पे आईफोन ने रिवर्स गेम खेला, उन्होंने काम किया अपने सॉफ्टवेयर पे। और आज आप देख सकते हो कि आईफोन के 12 मेगापिक्सल के कैमरा से खींची हुई फोटो किसी भी 100 मेगापिक्सल के कैमरा वाले फोन को टक्कर दे सकती है। इसी वजह से मार्केट रिसर्च काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और इसी वजह से तो इतनी सारी कंपनीज होने के बावजूद एप्पल का मार्केट शेयर 57% है, क्योंकि उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले मार्केट रिसर्च काफी अच्छे से कंडक्ट की। अब आपकी बिजनेस आइडिया आ चुकी है, मार्केट रिसर्च हो चुकी है, तो अब बारी आती है आपके बिजनेस प्लान की। अब बिजनेस प्लान में क्या ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको कवर करने हैं? सबसे पहले तो आपको आपकी कंपनी का मिशन और विजन फिक्स करना होगा कि आपकी कंपनी क्या करना चाहती है, कैसे इस
वर्ल्ड में एक इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहती है। उसके बाद आपको फिक्स करनी है आपकी टारगेट ऑडियंस, जो आपको आपकी मार्केट रिसर्च से आसानी से मिल जाएगी। टारगेट ऑडियंस यानी आप कौन से एज ग्रुप, कौन से जेंडर को टारगेट करना चाहते हो, या फिर क्या वो लोग सिटीज में रहते हैं या फिर विलेजेस में रहते हैं। ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो टारगेट ऑडियंस को अफेक्ट करते हैं, और वो सब फैक्टर्स आपके स्क्रीन के सामने अभी आ रहे होंगे, तो इसका पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद आता है रेवेन्यू मॉडल। किसी को भी धंधा तभी करना है जब उससे पैसा निकले, और कितना पैसा इस धंधे से निकल सकता है उसका एक करेक्ट एस्टिमेट आपको रेवेन्यू मॉडल देगा। उसके बाद आपको फिक्स करनी पड़ेगी आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे इस डायरी को बेचना है तो इस डायरी में ऐसे क्या यूनिक फीचर्स है या फिर यूनिक सेलिंग पॉइंट्स है जो इसे बाकी डायरी से अलग बनाते हैं, और यही वो पॉइंट्स रहेंगे जो एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बनेंगे। और इन्हीं पॉइंट्स को मार्केट करने के लिए आपको एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लगेगी। क्या आप इन्हें ऑफलाइन बेचोगे, ऑनलाइन बेचोगे या फिर सोशल मीडिया पे बेचोगे। ये सारे के सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और अगर आपने एक भी स्टेप मिस किया तो आपका धंधा डूबने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। अब बिजनेस प्लान के कंसेप्ट को समझने के लिए स्टारबक्स का एग्जांपल लेते हैं। तो स्टारबक्स का मिशन क्या है? कस्टमर को एक प्रीमियम क्वालिटी कॉफी और एक यूनिक एक्सपीरियंस देना जिसे वो कभी भूल ना पाए। और अगर आप किसी भी स्टारबक्स के स्टोर में जाके देखोगे तो आपको वो दोनों चीजें देखने को मिलेगी। हाई क्वालिटी कॉफी के बारे में तो मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ, क्योंकि मुझे खुद को 300-400 रुपए कॉफी के लिए देना वर्थ इट नहीं लगता। बट भाई, इनका कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा तगड़ा होता है, इसीलिए तो लोग इतना फ्लॉन्ट करते रहते हैं स्टारबक्स की कॉफी को। आपको हर आए दिन स्टारबक्स लोगों की स्टोरीज में या फिर स्नैप्स में दिख ही जाएगा। और इनके टारगेट ऑडियंस क्या थी? इनकी मेन टारगेट ऑडियंस थी वर्किंग प्रोफेशनल्स, ना कि कॉलेज के बच्चे। अब इनको पता था कि कॉलेज के बच्चे 300-400 रुपए की कॉफी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, लेकिन वहीं पे एक हाई पेड वर्किंग प्रोफेशनल इसे इजीली अफोर्ड कर सकता है, और वो थोड़े एक्स्ट्रा पैसे भी वेंट कर सकता है उस एक्सपीरियंस के लिए। इसलिए उन्होंने स्टारबक्स को एक कोवर्किंग स्पेस जैसे भी डिजाइन कर दिया, जहाँ पे लोग आते और घंटों बैठ के अपनी कॉफी के साथ साथ अपना काम भी पूरा करते हैं। स्टारबक्स का एनवायरमेंट काफी ज्यादा शांत होता है, और इसे बनाया ही ऐसे गया कि आपको काम करने में मजा आए और आप ज्यादा से ज्यादा टाइम स्टारबक्स में रुको और कॉफी मंगाते रहो। इसीलिए तो आप नोटिस करोगे, अगर आप स्टारबक्स के स्टोर में जाओगे तो आपको टाइम का अंदाजा बिल्कुल नहीं रहेगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट पे। अब बिजनेस आइडिया तो आपके पास रेडी हो गया, अब आती है सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बारी, जो है आपके प्रोडक्ट को डेवलप करना। अब इस चीज को आप मल्टीपल तरीकों से कर सकते हो, या तो आप प्रोडक्ट को खुद से मैन्युफैक्चर करो या फिर आप इसे किसी और से बनवा के लो, जिसे व्हाइट लेबलिंग भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई मैन्युफैक्चरर ढूंढा जो इस पेन को बनाता है। अब वो मैन्युफैक्चरर कई सारी कंपनीज को ये सेम पेन सप्लाई करता होगा, बट मैंने उससे ये पेन लिया, उस पे अपना लोगो डाला और इसे अपने तरीके से मार्केट किया। इसी चीज को कहते हैं व्हाइट लेबलिंग। और जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने में आपके करोड़ों रुपए लग जाएंगे, और वहीं पे आपका काम व्हाइट लेबलिंग करने से बस कुछ ही पैसों में हो जाएगा। तो इनिशियली जितने भी लोग स्टार्टअप्स प्रेफर कर रहे हैं, अगर आपका डिजिटल प्रोडक्ट है तो आपको इसका कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर आपका फिजिकल प्रोडक्ट है तो मैं आपको व्हाइट लेबलिंग ही रेकमेंड करूंगा। उसके बाद आता है सेल्स और मार्केटिंग। अब इस पेन के 1000 यूनिट्स तो मैंने बना लिए, लेकिन मुझे एक चीज बताओ कि क्या वो ऐसे ही पड़े पड़े रह के बिकने वाले हैं? नहीं ना, तो उसके लिए आपको लगने वाले हैं सेल्स और मार्केटिंग। मार्केटिंग की वजह से आपके प्रोडक्ट पे ट्रैफिक ड्राइव होगा, ट्रैफिक यानी लोग, और सेल्स यूज करके आपको उन सभी लोगों को कन्वर्ट कराना है। कन्वर्ट कराना है यानी खरीदने पे मजबूर करना है। अब सेल्स और मार्केटिंग हैंड इन हैंड जाते हैं, दोनों में से कोई एक चीज अच्छी नहीं है तो दूसरी भी काम नहीं करेगी, और इन द एंड आप उस सर्विस को या फिर प्रोडक्ट को बेच नहीं पाओगे। अब इसे समझते हैं नाइकी के एग्जांपल के साथ। नाइकी ने बहुत स्ट्रेटेजिकली मार्केटिंग की है, उन्होंने दुनिया के बड़े से बड़े एथलीट के साथ कोलैबोरेट करके उनके पैरों में अपने जूते ला दिए। इसी वजह से उनकी जो टारगेट ऑडियंस है, जो आम जनता है, उनको लगने लगा कि भाई, अगर ये बंदा पहन रहा है और इससे इसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है, तो मैं भी नाइकी के जूते खरीद के देखता हूं, शायद इससे मेरी भी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए। और सेल्स के लिए इनके स्टोर पे ऑलरेडी काफी ज्यादा ट्रेंड लोग रहते हैं, जिन्हें अच्छे से पता है कि एक कस्टमर को हैंडल कैसे करना है और उसे वो चीज बेचनी कैसे है। लेकिन यहाँ पे नाइकी की मार्केटिंग इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि उन्हें सेल्स के लिए ज्यादा फोर्स नहीं करना पड़ता, लोगों को उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी भी ऑलरेडी पता है, और ये लोग प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। इसी वजह से तो बाकी जूतों के ब्रांड के कंपैरिजन में इनकी प्राइसेस इतनी ज्यादा हाई है, और फिर भी ये दुनिया में सबसे ज्यादा जूते बेचते हैं। तो ये थी वो सारी चीजें जो आपको एक स्टार्टअप या फिर एक बिजनेस बिल्ड करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। ये थे स्टार्टअप्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स। इस वीडियो के पार्ट टू में हम लोग और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपके एम्प्लॉयज को कैसे मैनेज करना है, आपके कस्टमर को एक प्रॉपर एक्सपीरियंस कैसे देना है, और आपके बिजनेस के रेवेन्यू को स्टडी करके उसे प्रॉफिटेबल कैसे बनाना है। तो अगर आपको पार्ट टू चाहिए तो अभी जाके कमेंट करना, एंड अगले एक दो वीक्स में इसका पार्ट टू भी आ जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल और काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंस्पायरिंग।